चीन के द्वारा की गई कायराना हरकत के विरोध में मातृशक्ति संगठन यूथ विंग समर्पण युवा संगठन ने शिवनी नगर में प्रमुख मार्ग कचहरी चौक में भारतीय सेना के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और चीन के खिलाफ नारा लगाते हुए चीन का पुतला दहन किया। 15 जून की रात चीन सेना ने भारत की सीमा पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन जब भारतीय सेना का एक दल चीनी सेना को समझाने गया तब चीनी सेना ने अपनी कूटनीति को अपनाते हुए भारतीय सेना के साथ विश्वासघात किया, जिसमें दोनों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान भारतीय सेना के एक कर्नल और 20 जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और भारतीय सेना ने भी चीन सेना का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें चीन सेना के लगभग 43 सैनिक मारे गए। मातृशक्ति संगठन अध्यक्ष सीमा चौहान ने सरकार से अपील की है कि चीनी के साथ किसी भी तरह से व्यापारिक आयात निर्यातों पर रोक लगाई जाए, इससे ही हमारे देश के लिए वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। शिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। मुर्दाबाद 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 चीनी सेना मुर्दाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वीर शहीद अमर रहे। वीर शहीद अमर रहे। वीर शहीद अमर रहे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मुर्दाबाद मुर्दाबाद चीन मुर्दाबाद। माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चीन का चरित्र हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व जान चुका है। चालाक चीन, विश्व खाती चीन, विश्वास खाती चीन जो नारा भाई भाई का होने का लगाते हैं और पीठ में छुरा घोंपते हैं। हमारे 20 जवानों की शहादत, जिनका कर्ज हम हिंदुस्तानी कभी नहीं उतार पाएंगे। हम चीन को हमारी मातृशक्तियों की तरफ से ये चैलेंज करते हैं कि अगर चीन में दम है, उसकी सेना में दम है, तो आमने सामने आकर अपना वार करें। पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले कायर होते हैं। जैसे चीन कोरोना वायरस को जन्म देकर चीन ने अभी तसल्ली नहीं पाई है, उनका ये हिंदुस्तान को दूसरा विश्वासघात जो हमारे 20 जवानों की शहादत ने लिया है, हम उन जवानों के लिए कृतज्ञ हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और चीन की सेना की गद्दारी का विरोध करते हैं। हमारी सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी सरकार चीन के इस विश्वासघात का दो टूक जवाब देने के लिए सक्षम है। हमारी सेना इस दो टूक जवाब देने के लिए सक्षम है, इसीलिए इस कायराना हरकत का दो टूक जवाब दिया जाए। हमें पूरा विश्वास है हमारी सरकार हमारे 20 जवानों की शहादत का बदला लेगी और जरूरत पड़े तो हर हिंदुस्तानी, हर मातृशक्ति हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जवाब को देने के लिए तैयार है। चीन की सेना मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चीन की सेना मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।